Dear children, today we are going to start the revision of our EVS lesson for the term 1. So today we are going to start the revision of lesson number 1, you and your surroundings. Okay, now surroundings. The area around you is called your surroundings. Jo bhi aapke aaju baaju mein area hai, unhe hum bolenge surroundings. Jo bhi hum dekh paate hain, जो भी हम अपने आजू बाजू देख पाते हैं उसे हम सराउंडिंग्स बोलते हैं. क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स. हमें अपना सराउंडिंग्स कैसे रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए और ग्रीन रखना चाहिए. सराउंडिंग्स, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपना सराउंडिंग्स हमेशा क्लीन रखना चाहिए. क्यों क्लीन रखना चाहिए? वी कैन फॉल इल इफ आवर सराउंडिंग्स आर डर्टी. हम बीमार पड़ सकते हैं अगर हमारा सराउंडिंग्स डर्टी रहा तो. हमारा आजू बाजू का एरिया अगर डर्टी रहा तो हम बीमार पड़ सकते हैं. इसीलिए हमेशा अपना एरिया हम कैसा रखेंगे? हम क्लीन रखेंगे, डर्टी नहीं रखेंगे. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स ग्रीन बाय ग्रोइंग ट्रीज. और हमेशा अपना जो एरिया है वो सराउंडिंग्स है वो ग्रीन रखना चाहिए. तो हम कैसे ग्रीन रखेंगे? बाय ग्रोइंग द ट्रीज. पेड़ पौधों को बढ़ा करके, पौधों को लगा के. ट्रीज हेल्प अस इन अ मेनी वेज. और ट्रीज हमेशा बहुत तरीके से हमारी मदद करती है. क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. और जो हमारा सराउंडिंग है वो अगर क्लीन एंड ग्रीन रहेगा तो वो हमें हेल्दी रहने के लिए हमेशा मदद करेगा. डू नॉट लीटर. नाउ व्हाट इज द लीटर? लीटर मींस थ्रो वेस्ट अराउंड, यानी आजू बाजू कचरा फेंकना. तो हमें वो नहीं करना है. डू नॉट लीटर, ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू द डस्टबिन. सो हमें ऑलवेज कचरा जो है वो डस्टबिन में फेंकना है. ग्रो मोर प्लांट्स एंड ट्रीज. दे कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन. हमें हमेशा अपनी एयर, अपनी सराउंडिंग ग्रीन रखने के लिए मोर प्लांट्स एंड ट्रीज को ग्रो करना है. वो हमारी एयर को फ्रेश एंड क्लीन रखता है. सो डियर चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू कीप इट इन द माइंड? सराउंडिंग्स. द एरिया अराउंड यू इज कॉल्ड योर सराउंडिंग्स. एंड वी हैव टू कीप आवर एरिया और सराउंडिंग्स ऑलवेज क्लीन एंड ग्रीन. ओके चिल्ड्रेन.